हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 के बारे में, जिसमें इंडिया का रैंक बहुत ही पीछे चला गया है। जानने की कोशिश करेंगे यहाँ से किस तरह के सवाल हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले अभी हुआ क्या है कि हाल ही के कुछ दिनों में हमारे पास वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का 20th एडिशन जो है वो पब्लिश हुआ है। जिसको पब्लिश किसने किया है, पहला सवाल, तो दैट इज रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर नाम की एक संस्था ने। अब इसमें जो बेस्ट परफॉर्मेंस जिस कंट्री की रही है वो है नॉर्वे। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, नॉर्वे जो है वो फर्स्ट नंबर पर है हमारे पास। सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं डेनमार्क, फिर स्वीडन, फिर एस्टोनिया और फिर फिनलैंड। तो इस तरह से कुछ रैंकिंग जो है हमारे पास हमें देखने को मिल रही है। तो अगर हम वर्स्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो वर्स्ट परफॉर्मेंस हमारे पास किसकी रही है, नॉर्थ कोरिया। अब आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, तो नॉर्थ कोरिया को यहाँ पर स्कोर मिला केवल 13। और सबसे हमारे पास लास्ट रैंकिंग यानी 180th रैंक, टोटल 180th कंट्री, 180 कंट्रीज में ये हमारे पास रिपोर्ट जो है वो आई है, उसमें 180th रैंक जो है नॉर्थ कोरिया का रहा। फिर उसके बाद इरिटेरिया, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और म्यांमार। अब म्यांमार में आपको पता है कि हाल ही के दिनों में कू हुआ था, ठीक है, और जो है आर्मी रूल जो है यहाँ पर चल रहा है, और आंग सान स्यू की, ठीक है, जो यहाँ की स्टेट काउंसलर थी, उनको हमारे पास जेल की सजा सुना दी गई है। तो इस सब के चलते आप देखें कि म्यांमार का जो रैंक है वो बहुत नीचे गिर गया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इंडिया के बारे में, तो उससे पहले हम यहाँ पर कुछ और चीज़ें देख लेते हैं कि जो रिपोर्ट है वो रिलीज की गई कब। ये रिपोर्ट रिलीज की गई 3 मई को, ठीक है, 3 मई को ये रिपोर्ट रिलीज की गई। अब आप पूछेंगे 3 मई को ऐसी क्या खास बात है, तो 3 मई को होता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ठीक है। अब ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हमारे पास 1991 से ऑब्जर्व किया जा रहा है यूएन जनरल असेंबली के प्रोक्लामेशन पे, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1993 में हमारे पास यूनेस्को की रिकमेंडेशन पर इस डे को प्रोक्लेम किया था। अभी हमारे पास अगर हम बात करें इस डे संबंधित एक डेक्लरेशन है, दैट इज विंड हॉक डेक्लरेशन। तो पेपर में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि विंड हॉक डेक्लरेशन का संबंध किससे है, तो आप याद रखेंगे विंड हॉक डेक्लरेशन का संबंध हमारे पास सीधा सीधा जो प्रेस फ्रीडम है उससे सब्जेक्टेड है। और जो 2022 की थीम रही वो है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीच। तो थीम भी याद रखेंगे, थीम क्या रही, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीच। तो इस तरह से हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको यहां पर याद रखने पड़ेंगे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को हमारे पास वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहा जाता है, और यहां पर टोटल 193 मेंबर कंट्रीज जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। जनरल असेंबली को वर्ल्ड पार्लियामेंट के नाम से भी जाना जाता है। और यूएन में याद रखेंगे इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव राइट नाउ कौन है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, टीएस तिरुमूर्ति, याद रखेंगे टीएस तिरुमूर्ति इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन में राइट नाउ। हाँ जी, तो ये कुछ सवाल जो है यहां से आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज कौन करता है, तो ये रिपोर्ट जो है वो 2022 से हमारे पास अगर हम देखें तो रिलीज की जा रही है। और रिपोर्टर्स हमारे पास यहाँ पर आप देखें तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, या फिर हम कह सकते हैं कि रिपोर्टर्स सैन फ्रंटियर्स, ठीक है, रिपोर्टर्स सैन फ्रंटियर्स नाम से ये संस्था जो हमारे पास हर साल इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है 2002 से। ये कहाँ से ऑपरेट करती है, ये ऑपरेट करती है हमारे पास पेरिस से। तो ये भी याद रखेंगे, ये ऑपरेट कहाँ से करती है, पेरिस से ऑपरेट करती है, आरएसएफ भी आप इसे कह सकते हो। अब ये एक इंडिपेंडेंट एनजीओ है, खास बात याद रखना, जिसका कंसल्टिव स्टेटस है यूनाइटेड नेशन के साथ, यूनेस्को के साथ, काउंसिल ऑफ यूरोप के साथ, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रेंकोफोनी, यानी कि जो फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज हैं, हमारे पास 50 से ज्यादा फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है। तो उन कंट्रीज के साथ आपको मैं बता दूं कि ये जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर है ये कंसल्टिव स्टेटस के साथ है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलीज करती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, और इसमें कंट्रीज को रैंक दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द फ्रीडम अवेलेबल टू द जर्नलिस्ट, कि जर्नलिस्ट को कितनी फ्रीडम अवेलेबल है उस कंट्री में, कि वो क्या लिख सकते हैं, अपनी मन की बात खुलेआम लिख सकता है या नहीं लिख सकता। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो गौर करने वाली है कि इसका संबंध क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म से बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ इसमें एक चीज के ऊपर बात की जाती है कि जर्नलिस्ट को फ्रीडम कितनी है, वो अपनी मन की बात स्पष्ट तौर पर सामने रख सकता है या नहीं रख सकता। इसमें क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म मतलब किस तरह की बात की जा रही है। अब देखो, टेक द एग्जांपल, हमारे मीडिया हाउस मीडिया चैनल्स पे कुछ भी बकवास दिखाया जा रहा है। मान लो कोई जर्नलिस्ट है जिसको कोई अपने घर के बाहर कोई चीज हो रही है उसको लेकर उसने कुछ बताना है, तो ठीक है, अगर उसे बताने की स्वतंत्रता है तो उसको फ्रीडम है। लेकिन क्वालिटी, क्वालिटी को लेकर अगर हम बात करें, हमारे मीडिया चैनल्स की तो क्वालिटी बिल्कुल गिरी हुई है। अगर आप दिन में न्यूज चैनल चलाओगे तो वहां पर कई बार शोज चल रहे होते हैं सास बहू और साजिश,
तो ये न्यूज चैनल है कि एंटरटेनमेंट चैनल? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडिया में न्यूज चैनल तो रहे ही नहीं है, ज्यादातर न्यूज चैनल तो एंटरटेनमेंट चैनल है, जिनको अगर आप खोल कर देखोगे तो आपको लगेगा कि कल ही वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाली है, कल ही देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, हिंदू मुस्लिम दंगा भड़क सकता है, ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी जब आप ज्यादातर न्यूज चैनल्स को चलाकर देखेंगे। ठीक है, तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब है न्यूज चैनल की, क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ, ये आपने याद रखना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स केवल फ्रीडम की बात करता है जर्नलिस्ट को अवेलेबल है, क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म की बात बिल्कुल भी नहीं करता, तो ये बात गौर करने वाली है। ओके, सो अगर हम यहां पर बात करें इनका एवेल्युएशन क्राइटेरिया क्या रहता है, तो आपने याद रखना है कि हमारे पास 5 कॉन्टेक्चुअल इंडिकेटर को यूज करते हुए ये इवेल्युएशन हमारे पास देते हैं, जिसमें अगर हम बात करें पॉलिटिकल कंटेक्स्ट है, ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क है, हमारे पास इकोनॉमिक कंटेक्स्ट है, सोशल कल्चर कंटेक्स्ट है और सेफ्टी है। तो इंडिया में कहा जा रहा है कि जर्नलिस्ट है उनकी सेफ्टी जो है वो हमारे पास खतरे में है, बहुत सारे जर्नलिस्ट पे अटैक होता है, तो उसके चलते इंडिया का रैंक जो है वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसी बेसिस पर स्कोर दिया जाता है 0 to 100। जिस कंट्री का स्कोर 100 के नियर बाय होगा, जैसा कि हमने देखा था नॉर्वे, ठीक है, सबसे टॉप रैंक पे था, तो वहां पर मतलब कि जो जर्नलिस्ट हैं वो कुछ भी लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। जहां पर स्कोर 0 के नजदीक होगा तो वहां पर जर्नलिस्ट अपनी पसंदीदा शब्दों का यूज नहीं कर सकते, अपने दिल की इच्छा को साफ शब्दों में बयां नहीं कर सकते। अगर हम बात करें इंडिया की परफॉर्मेंस की, तो इंडिया की परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 2022 में ये 150वें रैंक पर पहुंच गई है, 180 कंट्रीज, जैसा कि मैंने बताया आपको 180 कंट्रीज है टोटल, जिसमें लास्ट रैंक नॉर्थ कोरिया का है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। और इंडिया का रैंक कितना रहा, तो आप देखिए इंडिया का रैंक है 150th। तो आपको थोड़ी हैरानी होगी, क्या इंडिया में इतना रैंक पीछे होने का क्या रीजन है? तो कई सारे रीजन हैं, लेकिन क्या ये जो हमारे पास प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है ये बिल्कुल ओके है? तो अगर इसके कुछ पहलुओं पर आप नजर डालेंगे तो आपको कुछ चीजें कॉन्ट्रोवर्शियल दिखाई देंगी। कॉन्ट्रोवर्शियल कैसे, जैसे मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे अगर आप देखें कि हमारे पास एक हांगकांग है, हांगकांग क्या है, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना, ठीक है, हांगकांग है हमारे पास, और भी कई सारी कंट्रीज है, ठीक है, तो इन सब कंट्रीज, हांगकांग हो गया या और कई कंट्रीज होगी, तो इनके जो रैंकिंग्स है वो इंडिया से बेटर रैंकिंग दी गई है इनको। मतलब कि ठीक है, मानते हैं कि इंडिया में प्रेस को इतनी फ्रीडम नहीं है, लेकिन कई जगहों पर आपको देखने को मिलेगा कि कई जगहों पर इन्होंने बहुत बड़े लेवल में पार्शियलिटी भी की है। तो आप देख सकते हैं कि क्या इंडिया का रैंक इतना, मैं अगर ये कहूँ कि टॉप 10 में हो सकता तो ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पर रैंक बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति में पहुंच चुका है, ये जरूर कहना चाहूंगा। जैसे 2016 में हमारा जो रैंक था वो 133 था, 2016 से जो रैंक है वो लगातार गिरता ही जा रहा है। हाँ जी, क्लियर, लगातार हमारे पास जो जर्नलिज्म के खिलाफ जो वॉयलेंस है जर्नलिस्ट के खिलाफ वो बढ़ रहा है, और पॉलिटिकल पार्टिजन मीडिया हमें देखने को मिल रहा है जो पॉलिटिकली अलाइंड है। पॉलिटिकली अलाइंड का मतलब उनके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज का इन्फ्लुएंस है, उनके ऊपर पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस है, तो इसके चलते वो प्रॉपरली अपने शब्दों को बयां नहीं कर सकते। तो ये भी कुछ हमें चीजें सुनने को मिल रही हैं। तो इन सब के चलते आप कह सकते हैं कि इंडिया का जो रैंक है वो और नीचे हमारे पास जा रहा है। अगर हम इंडिया के नेबर्स की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे कि नेपाल ने लगातार इंप्रूवमेंट की, और नेपाल का रैंक इंडिया से बहुत बेटर है, 76 पोजीशन। अब जबकि आपको पता है कि नेपाल की जो मीडिया है वो आज की डेट में बहुत ज्यादा चाइना की तरफ से इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रो चाइनीज आर्टिकल्स यहाँ पे लिखे जाते हैं, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर चाइना की यहाँ पर नेपाल की जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव होती हुई दिखाई दी। पाकिस्तान का रैंक देखिए 157। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा, जिससे एक और सवाल खड़ा होता है इस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे। अब हम मान लेते हैं कि पाकिस्तान की जो रैंकिंग है, ठीक है, पाकिस्तान में प्रेस को फ्रीडम नहीं होगी, बहुत गड़बड़ होगी, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान का कंपैरिजन करूं अफगानिस्तान के साथ, तो अफगानिस्तान में तो तालिबान है, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कुछ भी हो अफगानिस्तान की सिचुएशन से तो बेटर है, लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान से ज्यादा बेटर रैंक अफगानिस्तान का दिया है इस इंडेक्स में, यानी कि पाकिस्तान का रैंक जो है वो अफगानिस्तान के भी बिलो है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इंडेक्स में कुछ चीजें बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है। पाकिस्तान का रैंक 157 रहा है, इंडिया से भी पीछे, तो यानी कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों इस इंडेक्स में नीचे गिर रहे हैं लगातार। चाइना का रैंक देखे तो चाइना तो बिल्कुल हमारे पास लाइक टॉप 10 में, हमारे पास बॉटम से टॉप 10 बॉटम से, तो 175th रैंक पे है चाइना। तो मीडिया को बहुत अच्छे लेवल पर कंट्रोल करता है, वहां क्या प्रिंट होगा क्या नहीं कंप्लीटली गवर्नमेंट ये
डिसाइड करती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ज्यादातर कंट्रीज के जो रैंकिंग है वो कुछ इस तरह से हमारे पास रहे हैं। श्रीलंका का रैंक रहा है 146। अब देखो श्रीलंका का एग्जाम्पल लो, इंडिया और श्रीलंका कंपैरिजन करो। श्रीलंका में आपको पता होगा कि अभी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है, वहां की मीडिया को जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी कि वहां की केंद्र सरकार है वो बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रही है। स्टिल श्रीलंका का रैंक इंडिया से अच्छा रखा गया, स्टिल हांगकांग का रैंक इंडिया से अच्छा रखा गया। तो इन सबको देखकर थोड़ा सा गड़बड़ी इस इंडेक्स में थोड़ी सी महसूस होती है। ओके, अगर हम बात करें प्रोविजन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेस फ्रीडम को लेकर क्या हमारे प्रोविजंस हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो अगर हम बात करें आर्टिकल 19 जो है वो हमारे पास गारंटी देते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो जो हमारे पास न्यूज़पेपर्स प्रिंट होते हैं, जो भारत में न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं, न्यूज आर्टिकल प्रिंट होते हैं, वो होते हैं एज पर आर्टिकल नंबर 19 जो गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। लेकिन एक बात याद रखना, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, बिल्कुल भी एब्सोल्यूट नहीं है कि आप कुछ भी नहीं छाप सकते। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 क्या बोलता है कि जब देश के हित की बात आएगी, सोवरेंटी की बात आएगी, एकता अखंडता संप्रभुता की बात आएगी, सिक्योरिटी की बात आएगी, फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट की बात आएगी, पब्लिक ऑर्डर की बात आएगी, डिसेंसी और मॉरेलिटी की बात आएगी, डिफेमेशन की बात आएगी, तो न्यूज़पेपर कुछ भी गलत सलत प्रिंट नहीं कर सकते। और अगर आप देखें आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटी है, अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी देखें तो अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी भी है। तो जब आप इन चीजों को एक साथ अलाइन करते हो तो आपको पता चलता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज नॉट एब्सोल्यूट इन इंडिया। तो ये एब्सोल्यूट रखना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने फ्रीडम ऑफ प्रेस को एब्सोल्यूट राइट दे दिए तो यहां पर कुछ भी प्रिंट होने लगेगा। हाँ, एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए, लेकिन उसको इस लेवल पर भी नहीं कि मीडिया का गला ही दबा दिया जाए। तो अभी इंडिया में आप देख सकते हैं कि प्रेस फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं है और एक न्यूट्रल मीडिया की बहुत बड़े लेवल पर देश में कमी महसूस की जा रही है। तो इसी के चलते हमारा जो रैंक है वो काफी पीछे रहा है। लेकिन हाँ, ये इतना पीछे नहीं होना चाहिए था, थोड़ा हमारे पास इंप्रूवमेंट इसमें हो सकती थी। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि गवर्नमेंट जो है कुछ स्टेप्स लेगी, इंश्योर करेगी कि इंडिया जो है वो प्रेस फ्रीडम में हमारे पास इंप्रूव कर सके। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज का वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।